हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HPG के ट्रिक्स विद प्रेम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सेफ्टी काउंसलिंग 2022 के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे काउंसलिंग लिस्ट के बारे में, और साथ में जो सेफ्टी की कितनी कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में भी हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, कितने मार्क्स वाले लोगों को मिल सकती है गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों, एक्स स्पोर्ट्समैन और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए इस वीडियो में खास जानकारी है, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनके मार्क्स 55 के अराउंड है, क्या उनको काउंसलिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आपकी जेपटी की काउंसलिंग है उसमें कितनी सीट जो है आपकी प्राइवेट और कितनी गवर्नमेंट की होती है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम गवर्नमेंट सीट की बात करें तो आपकी 1000 जो आपकी गवर्नमेंट सीट रहती है आपकी जेपटी में, ठीक है। और दूसरा, प्राइवेट की सीट की बात करें तो 2450 जो आपकी प्राइवेट की सीट इसमें होती है, टोटल आपके हो गए 3450। ये तो होगी आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट की जानकारी, ठीक है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि कट ऑफ किस तरह से बनेंगी। देखिए दोस्तों, यदि हम रैंक वाइज कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले जो आपका इस सेफ्टी काउंसलिंग में हाईएस्ट नंबर वाला व्यक्ति है उसके जो आपके 97 मार्क्स है, और ये जो 97 मार्क्स वाला व्यक्ति है ये जो आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें जिनके मार्क्स जो 65 से लेकर 97 तक के हैं, वो टोटल व्यक्ति हैं आपके 1249। और गवर्नमेंट सीट की बात करें तो 1000 जो है आपकी गवर्नमेंट सीट है। तो इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि यदि 1249 व्यक्ति हैं तो उनमें तो फिर कट ऑफ जाने के जो गवर्नमेंट चांसेस वो तो 70 से ऊपर हो गए। परंतु दोस्तों, यदि हम आपको सही बताएं तो देखिए, यदि हम प्रीवियस काउंसलिंग की बात करें, जितनी भी काउंसलिंग हुई है तो उसमें आप देखेंगे कि 50 to 60 ऐसे लोग होते हैं जो इस काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं। कुछ पिछली बार की बात करें तो बहुत सी गवर्नमेंट सीट भी इसमें खाली रह गई थी, ठीक है। तो जिनके मार्क्स जो है आप यदि बात करें हम 55 से अबव हैं, वह जो है इस काउंसलिंग में भाग जरूर लें। क्यों भाग लें? क्योंकि मैक्सिमम जो 1249 है उसमें जो आपके काउंसलिंग में भाग नहीं लेने वाले हैं। ये इसका पता आपको जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लग जाएगा पता कि आपके आगे जो कितने लोग थे वो जो इसमें अपसेंट रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं भाग लेते हैं? इसका कारण ये है कि जो बीएड वाले हैं उनको भी जेपटी में कंसीडर किया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत से लोग जो है जेपटी को अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि जेपटी करने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। और इसमें जो आपके स्पोर्ट्समैन और एक्स सर्विसमैन है, उसमें इस वीडियो में मैंने थंबनेल में बताया था कि उनको क्या बेनिफिट है। देखिए दोस्तों, जो स्पोर्ट्समैन और आपके एक्स सर्विसमैन है उनको इस काउंसलिंग में ज़रूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यदि वह सेफ्टी की ट्रेनिंग करते हैं तो उन सेफ्टी की ट्रेनिंग करते हैं स्पोर्ट्समैन और एक्स सर्विसमैन दोनों, इनके लिए स्पेशल बेनिफिट्स ये है कि जब ये ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं तो जो इनको सिर्फ टैट क्वालिफाई करना पड़ता है, और इनके लिए स्पेशल सीट जो है गवर्नमेंट ऑल आउट करती है, यानी कि इनको जो है कोई भी कमीशन फाइट नहीं करना पड़ता है। सिर्फ टैट आप क्वालिफाई करो, उसके बाद आपकी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी कि आप सिर्फ ट्रेनिंग करो और 1-2 साल के अंदर आप जॉब पर लग जाओगे। तो जो एक्स सर्विस मैन और स्पोर्ट्स मैन वाला व्यक्ति है वो बीएड का ना सोच के इसमें ज़रूर भाग ले और सेफ्टी की ट्रेनिंग कंप्लीट करें, ठीक है। और देखिए दोस्तों, नॉर्मली यदि हम कट ऑफ की बात करें तो आपकी कट ऑफ 60
से अब जो आपकी गवर्नमेंट की रहने वाली है, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी है वो 60 से 65 से अबव ही रहेगी, जो जनरल कैटेगरी की मेरिट है, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में। और अदर कैटेगरी की बात करें तो वो भी आपकी 58 से ऊपर ही रहेगी, जिसमें 58 से आपके ऊपर ही जो गवर्नमेंट सीट है उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी कट ऑफ की बात। और बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन से थे कि हमारे जो 55 से कम मार्क्स से क्या हमें काउंसलिंग में जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें तो 55 से कम वाले व्यक्ति के जो चांसेस है वो आपके गवर्नमेंट सीट से कम है, तो उनको जो प्राइवेट सीट मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है उनको प्राइवेट सीट ही मिलेगी, गवर्नमेंट उनको नहीं मिलेगी, मिलने के बहुत कम चांस है। तो आप देख लें जिनके 55 से कम मार्क्स है वो काउंसलिंग में जाने से, यदि उनको प्राइवेट सीट चाहिए तो वो ज़रूर जाए, और गवर्नमेंट सीट आई थिंक उनको मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।